हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर सेट को, और ये ओ लेवल के फर्स्ट पेपर में भी इंक्लूड है। ठीक है, पहले मैंने डिस्कस कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और अब मैं बेस्ट 50 क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स के होते हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं देखा है सेट 3 का, ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, उसको हम देख लेते हैं। लिखा है वर्ड में संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के दाई तरफ एक पॉइंटर को ले जाया जाए, और जब वो दाएं तीर के निशान जैसा हो जाए तब डबल क्लिक करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही। कुरियर एक फॉन्ट है, हाँ ये देखो कुरियर, ये इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, कुरियर का स्पेलिंग रॉन्ग है इसलिए ये फॉन्ट नहीं है, तो हो जाएगा ये फॉल्स। प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, तो इससे ख्याल रखना सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, प्राइमरी मेमोरी की कम होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मैंने डिस्कस किया है कि रैम रोम कैचेस रजिस्टर होता है, और सेकेंडरी के अंतर्गत क्या आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क CD DVD ये सब आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। ठीक है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है। देखो ये फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना, ये भी आंसर गलत हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55, सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की निशानी है। हाँ, सुपर कंप्यूटर पांचवी यानी फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। ओके, तो 55 का जो हो जाएगा क्वेश्चन वो ट्रू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्यतः कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए रोम मेमोरी का इस्तेमाल होता है। देखो रोम का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। वेब ब्राउजर एक विशेष डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिसके द्वारा आप नेटवर्क पर जुड़े अन्य कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर पाते हैं। तो क्या ये सही है, तो वो गलत हो जाएगा, ये डिवाइस नहीं होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कि कंप्यूटर में अच्छा होने का मतलब है कि आप खुद भी एक अच्छा कंप्यूटर बना सकते हैं। देखो ये कोई जरूरी थोड़े, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CPU और मेमोरी कंप्यूटर में एक विशेष सर्किट में उपलब्ध होती है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS विंडोज एक ओपन सोर्स व GNU लाइसेंसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो 60 का आंसर है वह है रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पेज लेआउट व्यू में आप विभिन्न कॉलम नहीं देख सकते, क्या ये सही है या गलत। ठीक है, देखो एमएस वर्ड में हम कॉलम ले सकते हैं, रो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो रॉन्ग लिखा है, ये क्या हो जाएगा, 61 का रॉन्ग। ठीक है, पूछ रहा है कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एमएस वर्ड में सम व विषम पेजों के लिए अलग अलग फुटर होते हैं। तो इसका जो कोई आंसर हो जाएगा रॉन्ग, फॉल्स। टेक्स्ट चार्ट टेक्स्ट एरिया चार्ट का भाग नहीं होता है। टेक्स्ट का जो आंसर है ये हो जाएगा सही, क्योंकि देखो चार्ट का भाग होता है पाई चार्ट वगैरह होता है, टेक्स्ट वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनल नेटवर्क में फायरवॉल द्वारा अनऑथराइज यूजर की रोकथाम संभव नहीं है। जो 64 है ना वो रॉन्ग है, क्योंकि देखो इंटरनल नेटवर्क में हम क्या करते हैं, फायरवॉल से हम अनऑथराइज्ड पर्सन को रोकते हैं, जो बंदा एक्सेस नहीं कर सकता उनको बोलते हैं अनऑथराइज्ड बंदा। ठीक है ना, जिसको परमिशन नहीं है, जिसके पास यूजर आईडी नहीं है किसी कंपनी का, जिसमें वो इंटरफेयर कर सके। अगर हैकर की बात करें तो हैकर तो वैसे भी कर पाते हैं हर चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा आपको वही आंसर करना है। ठीक है ना, तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो अनऑथराइज्ड पर्सन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
देखो 65 को जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए हैंड आउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। 66 का आंसर हो जाता है ट्रू। www.sitetechno.com एक वेबसाइट का URL है, तो जो 67 है तो 67 का आंसर हो जाएगा ये सही। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, जो 1 से 8 तक के नंबर को यूज करता है। देखो 8 तो होता है ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है 0 से लेकर के 7 तक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, 68 है ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑक्टल नंबर मतलब 8 होता है और इसमें जो डिजिट एक्सेप्ट होती है 0 से लेकर के 7, इसको काउंट करोगे तो आएगा टोटल 8। ठीक है, प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वॉल्व तकनीक का प्रयोग करते थे। 69 का जो आंसर है वो है ट्रू, वॉल्व का यूज किया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, जब भी पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्लाइड में टेक्स्ट कहीं से भी जोड़ा जा सकता है, तो जो 70 है इसका आंसर है सही है, हम स्लाइड में कहीं भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, 71 कैरेक्टर का साइज पॉइंट में मापा जाता है। देखो 71 का जो आंसर है ट्रू, देखो क्वेश्चन ये पूछा किया है कि ऑप्शन 3-4 कि कैरेक्टर का जो साइज होता है हम पिक्सल मापते हैं, इंच में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो क्या लगना इसको मापते हैं पॉइंट में। ओके, MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कोर्स रीडर है, देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स। लैन मैन वोवन नेटवर्क के टाइप है, जो 73 है ये इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि देखो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड एरिया के लिए, मैन मेट्रोपोलिशन यानी एक सिटी के लिए, और वैन मतलब एक ग्लोबल लेवल पे। ठीक है ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है ये, और डिस्टेंस से लिमिटेड एरिया की बात करें तो हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हाँ है। ठीक है, ये तो ट्रू हो जाएगा। .jpg एक ऑडियो फाइल है, देखो आप नोटिस करना मोबाइल फोन में जब फोटो खींचते हो ना तो वहां पे .jpg मिलता है, .png मिलता है। ठीक है ना, वो ये क्या है, ये एक इमेज फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। मैकिंटोश कंप्यूटर में पहला सफल GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो 1984 में आया, देखो इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का वह ट्रू। स्क्रीन से पूरे टेक्स्ट को देखने के लिए GUI एक स्क्रॉल बार प्रोवाइड करता है, तो 77 का जो आंसर है वो है ट्रू। वर्ड पिछली साथ प्रयोग की गई फाइलों का रिकॉर्ड रखता है, तो जो 78 है इसका आंसर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, टाइप करने, एडिट करने और फॉर्मेटिंग के लिए नॉर्मल व्यू का प्रयोग किया जाता है, हाँ या ना, ये पूछता है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रू। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जैसे स्पेस बार, इंटर की, टेब, टैब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय पेपर पर प्रिंट नहीं होते। देखो हम स्पेस यूज करते हैं तो क्या स्पेस प्रिंट होता है, नहीं, केवल ब्लैंक ब्लैंक दिखता है। इंटरप्रेस करते हैं ये भी, इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ख्याल रखना इस बात का। ठीक है, जैसे स्पेस करते हो तो स्पेस दिखाई नहीं देता। ठीक है, इंटर की कभी प्रिंट नहीं होता। ठीक है ना, टैब की यूज करते हो तो कभी यूज नहीं होता। ओके, मतलब जो प्रिंट होने की बात हो रही है वो पेपर पर शो नहीं करता, तो 80 का जो आंसर है वह ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीडियो कैमरा का मुख्य उपयोग इनपुट डिवाइस के लिए वीडियो डेटा को लेना है, इसका जो 81 का आंसर है ट्रू। जब आप कोई कुंजी यानी कोई की दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है जिसे कमांड कहते हैं, 82 का आंसर राइट। देखो जब कीबोर्ड पे कोई कमांड दोगे या माउस का बटन क्लिक करोगे तो यहां भी आप कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को वर्ड में लाल लहरदार रेखा, तो देखो जो वर्ड हम लिखते हैं एमएस वर्ड में तो क्या होता है ना, इसके नीचे सॉरी इसे रेड लाइन कर देगा, उसको क्या बोलता है कि जो गलत स्पेलिंग हम लिखते हैं तो रेड लाइन कर देता है, तो क्या ये दर्शाया जाता है या नहीं, जो 83 का आंसर है वो ट्रू। इस क्या लगना, जब किसी वर्ड के नीचे ग्रीन कलर का लाइन दिखे तो वो होता है ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CPU इनपुट डेटा को आउटपुट में बदलता है, तो 84 का जो आंसर है वह ट्रू, क्योंकि देखो कीबोर्ड से हम कुछ लिखेंगे या कुछ मैटर हम देंगे तो CPU क्या करता है उसको प्रोसेस करेगा फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केबी का पूरा नाम क्या है? तो 85 का जो आंसर है वो क्या है, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, ठीक है, तो यहाँ पे किलो बिट है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉट डी ओ सी एम एस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, देखो ये गलत गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो डॉट डी ओ सी क्या होता है, आप डॉट डी ओ सी की हम बात कर रहे हैं, तो एक मिनट क्या लगना है, एम एस एक्सेल को होता है डॉट एक्स एल एस और एक्स होता है, क्या लगना है इस बात का, और डॉट डी ओ सी एक्स होता है एम एस वर्ड का, ये 2013 के अकॉर्डिंग सॉरी 2003 के अकॉर्डिंग डॉट डी ओ सी है, और 2007 की बात करें हम लेटेस्ट की, तो यहाँ पे लग जाता है डॉट डी ओ सी एक्स, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है एक्सेल के बारे में, ठीक है। रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, 87 का जो आंसर है वो है ट्रू, ठीक है, जो 87 का आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑडियो आउटपुट डिवाइस के द्वारा केवल म्यूजिक का ही आउटपुट लिया जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का रॉन्ग। 89 का क्या है क्वेश्चन, 16 बीट सीपीयू एक समय में केवल 2 बाइट ही प्रोसेस कर पाती है, 89 का जो आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो हार्ड डिस्क व सीडी ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस एग्जांपल है, हाँ है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने वाले डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, हाँ, मेन मेमोरी सॉफ्टवेयर का भाग है, तो देखो मेन मेमोरी सॉफ्टवेयर का भाग कैसे हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है ना, कहाँ मेमोरी स्टोरेज की बात हो रही, कहाँ पे सॉफ्टवेयर, कहाँ कहीं सॉफ्टवेयर की बात हो रही, तो दोनों अलग अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कंप्यूटर की सीडी रोम ड्राइव एक डेटा डिस्क को पढ़ सकती है लेकिन यह ऑडियो सीडी को नहीं चला सकती है, तो 93 का आंसर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, आप एनिमेशन को साउंड इफेक्ट प्रदान कर सकते हैं एवं किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को एक से अधिक एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम पावर पॉइंट में एक से अधिक एनिमेशन देख सकते हैं किसी पर भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एप्लीकेशन सर्विस की लेयर यूजर एप्लीकेशन के इंटरफेस को मदद करती है, तो जो 95 का आंसर है वह ट्रू, क्या लगना, लेयर होते हैं ओएसआई लेयर के 7 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर से लेकर के फिजिकल लेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप माउस के दाएं व बाएं बटन के कार्यों को आपस में बदल सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 96 का आंसर हो जाएगा ट्रू, माउस को सेटिंग करना हो तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के कर सकते हो। पेन ब्रश का संबंध एक्सेसरीज ग्रुप से है, 97 का जो आंसर है ट्रू, आप किसी प्रोग्राम को इस तरह से तैयार कर सकते हैं जिससे एनिमेशन आने पर यह स्वतः ही लुप्त हो जाता है, तो 98 का जो आंसर है वह ट्रू, क्योंकि जब एनिमेशन यूज करते हैं तो वहां दिखता नहीं है, जब हम शो कराना चाहते हैं कस्टम एनिमेशन से तभी शो करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक साथ बहुत से लोगों को से भेजे जाने वाले अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल स्पैम नहीं कहलाते, तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा। देखो आप एक साथ बहुत से लोगों को भेज रहे हो, ठीक है, मतलब अनवांटेड चीजें भेज रहे हो, ठीक है ना, तो उसको वो ईमेल स्पैम के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंडर के द्वारा बाउंस्ड ईमेल हमेशा एक संदेश परिणाम लाते हैं, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सेंडर के द्वारा बाउंस्ड ईमेल हमेशा एक संदेश परिणाम लेकर आते हैं, इसका जो आंसर होता है ट्रू, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यदि आपने ये सेशन अच्छे से देखा है तो आप बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे छोटी मेमोरी से लेकर के बड़ी मेमोरी जो होती है उसका क्रम क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन ये है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका सबसे छोटे क्रम से लेकर के बड़े क्रम तक क्या सीरीज होता है और कौन कौन सी मेमोरी होती है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नया सेट लेकर के, थैंक्स फॉर वॉचिंग।